throughout these days, we are seeing the agricultural reforms that we have made after 1991 or after the agricultural reforms, right? What the steps are taken to improve agricultural sector. And today we are going to see finally what is the agricultural credit system and what are the institutions we have for the running or functioning of this system. हमारे पास जो भी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम है वो कैसा वर्क होता है, उसके लिए कौन से इंस्टीट्यूशंस है, हमें नाबार्ड जैसी बड़ी बैंक जिसके बारे में हमने शायद सुना होगा लेकिन दैट इज़ द एपिक मोस्ट बैंक फॉर रूरल बैंकिंग और इट इज़ लाइक पाठीचा कणा आपण म्हणतो ना तसं की ती पाठीचा कणा आहे जर आपण ॲग्रिकल्चरल क्रेडिट सिस्टीमचा विचार केला तर. सो नाबार्ड सारख्या गोष्टीबद्दल ऐकणार आहोत की जे ॲक्च्युली आपल्या आसपास आहे आत्ता, ज्याचं वर्किंग चालू आहे. आपल्याला हे बघायचं आहे की जे वर्किंग चालू आहे त्यांनी आत्तापर्यंत काय कामं केले आणि ते कसं एफिशियंटली होऊ शकेल. ओके, सो लेट्स डाईव इन टू इट. ओके, ॲग्रिकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया. ओके, agricultural credit is considered as one of the most basic inputs for conducting all agricultural development programs. In India, there is immense need for proper agricultural credit as Indian farmers are very poor. From the very beginning, the prime source of agricultural credit in India was money lenders. Money lenders म्हणजे कोण तुम्हाला माहिती आहे का? सांगू शकाल तुम्ही मला money lenders म्हणजे कोण असू शकतात? सावकार वगैरे असतात जे व्याजी पैसे देत. करेक्ट, आणि आपण मला वाटतं एकदम करेक्ट निशिकांत, राईट? एकदम करेक्ट. सो बेसिकली क्या है कि मनी लेंडर्स जैसे लोग हैं वो अपना अपना फायदा ही देखते हैं. ऑब्वियसली एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज वॉचिंग फॉर हिज ओन प्रॉफिट्स, राइट? तो मनी लेंडर्स क्या करते हैं, क्योंकि हमारे फार्मर्स पुअर है, मार्जिनलाइज्ड है, और उसके साथ साथ इनको ना मतलब फाइनेंशियल नॉलेज भी नहीं है. ओके, दैट्स द मेजर प्रॉब्लम कि हम पढ़ते नहीं है कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए. ओके, जो हमने वो देखा था जब भी हमने वो तीन बिल्स देखे थे अगर आपको याद है, तो उसमें लास्ट में थर्ड बिल में ऐसा था कि एक ऐसा एजेंसी बनाने की जरूरी है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कि जो फार्मर्स को बताए कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लूप होल्स है, क्या किससे वो एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, किससे उनको मतलब हार्म हो सकता है. और धीरे धीरे करके फार्मर्स को ये नॉलेज खुद में लेना पड़ेगा क्योंकि एज इट इज खुद के लिए खुद को ही काम करना पड़ता है. Nobody works for you. Nobody is like that selfless ki, okay, theek hai, I'll check for you. Okay, so that's what we are talking about. After independence, the government adopted the institutional credit approach. So, independence ke baad, institutional credit system matlab ek sanstha se credit dena, rather than a person. So, zamindari ke system nahi, aap ek person se lene ki wajah se, कुछ अगर मतलब नुकसानी में जा सकते हो, राईट? सो त्याच्याऐवजी बँकेतून किंवा कुठल्या संस्थेतून, त्याला आपण म्हणतो पतसंस्था किंवा असं. ओके, जस्ट अ मिनिट. सॉरी. सो इन्स्टिट्यूशनल क्रेडिट अप्रोच वॉज अडॉप्टेड. वेरियस एजेंसीज लाइक कोऑपरेटिव्स, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एटसेट्रा. तो ये सब टाइप के बैंक्स जो किसानों को मतलब दे सकते थे लोन, देते हैं लोन. ओके, टू प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट टू फार्मर्स एट अ चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट. डेफिनेटली दे एम फॉर प्रॉफिट, बट प्रॉफिट ऑन बोथ साइड्स, डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड. ओके, मोर ओवर विद ग्रोइंग मॉडर्नाइजेशन of agriculture during the post green revolution period, the requirement of agricultural credit has increased further in recent years. To jaise hi green revolution hua, everybody started thinking about modernization, technology in agriculture, bade bade machines ke bare mein, ya fir thoda modernize karna har ek jo bhi business hai wo. तो उसके साथ साथ अगर मॉडर्नाइज करना है तो मतलब पैसा लगेगा, क्योंकि नए इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, नए लोगों को काम पर रखना पड़ेगा, एक्सपर्ट की एडवाइस लगेगी. तो ये सब के लिए और इसकी वजह से क्रेडिट की डिमांड भी बढ़ गई है. एग्रीकल्चरल क्रेडिट इज एन इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर एग्रीकल्चरल ग्रोथ. एग्रीकल्चरल पॉलिसीज हैव बीन रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू प्रोवाइड एडिक्वेट एंड टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस टू दिस सेक्टर. सो टाइमली अवेलेबिलिटी करके मतलब वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड कि
अभी के लिए अगर इस सीजन के लिए लोन चाहिए और अगर वो बैंक के चक्कर में फंस गया तो शायद दूसरे साल में मिलेगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। जितना चाहिए उतना और जल्दी से जल्दी उनको लोन मिलना चाहिए किसानों को। ओके, रूरल क्रेडिट सिस्टम अज्यूम्स इम्पॉर्टेंस बिकॉज फॉर द मोस्ट इंडियन रूरल फैमिलीज सेविंग्स आर इनएडिक्वेट टू फाइनेंस फार्मिंग एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमने देखा है कि किसान पहले से ही बहुत ही गरीब है, मोस्ट ऑफ द किसान, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स। तो ऐसा अज्यूम करने में कुछ मतलब बुरा नहीं है या फिर कुछ गलत नहीं है कि इंडियन रूरल फैमिलीज हु डिपेंड मोस्टली ऑन एग्रीकल्चर देयर सेविंग्स आर इनएडिक्वेट, मतलब जो खुद के सेविंग्स रहते हैं वो कम है, एंड देयर इनएडिक्वेट टू फाइनेंस अदर इकोनॉमिक और फार्मिंग एक्टिविटीज। तो मतलब खुद का कैसे ना कैसे चला सकते हैं वो, रोज का खाना पीना अगर चला सकते हैं तो, लेकिन फिर भी नई एक्टिविटी शुरू करना, नए मॉडर्नाइज्ड टेक्निक लाना, ये उनकी बस की बात उस टाइम नहीं होती। दिस कपल्ड विद द लैक ऑफ साइमल्टेनिटी बिटवीन इनकम रियलाइजेशन एंड एक्सपेंडिचर एंड लंपीनेस ऑफ एग्रीकल्चरल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओके, मतलब किस किस की लैक है, तो फर्स्टली इनकम रियलाइजेशन, उनको ज्यादा इनकम मिलता नहीं। दूसरा ज्यादा एक्सपेंडिचर, मतलब वो कर भी नहीं सकते फार्मिंग पे और खर्चा बढ़ ही रहा है राइट खेती का एज द डेज पास। एंड द लंपीनेस ऑफ एग्रीकल्चरल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब एग्रीकल्चरल कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब एग्रीकल्चर के लिए जो इन्वेस्टमेंट लगता है, तो शेतीसाठी ज्या ज्या प्रकारचे इन्वेस्टमेंट करायला लागतात त्या सगळ्या कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट, म्हणजे तुमच्या मशीनसाठी, मे बी नव्या टेक्निकसाठी, मगाशी म्हटलं तसं। सो या सगळ्यासाठी एक बल्क अमाऊंट लागते, मोठी अमाऊंट लागते, अँड वी हॅव दिस लॅक दॅट वी लॅक फॉर इन्कम रिअलायझेशन, एक्सपेंडिचर अँड लंपीनेस ऑफ ॲग्रिकल्चरल कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट। द इन्स्टिट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम इज अ क्रिटिकल फॉर ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट, म्हणजे या ज्या इन्स्टिट्यूशन्स आहेत त्यांचं कीन फोकस प्रॉफिट बरोबर ॲग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट, रुरल डेव्हलपमेंट असा पण आहे, अँड इट्स रोल हॅज फर्दर इन्क्रीज्ड इन द लिबरलाइज्ड इकॉनॉमिक एन्व्हायरमेंट। सो जसं आपण आपल्या इकॉनॉमीला लिबरलाइज करत गेलो, लिबरलायझेशनकडे घेऊन जात गेलो, तसं तसं इकॉनॉमिक एन्व्हायरमेंट चेंज होत जातं बरोबर, आणि त्या चेंजसाठी कोपअप करण्यासाठी, वो चेंज के साथ अपने कदम मिलाने के लिए ये सिस्टम और ये क्रेडिट सिस्टम ने भी अपना पूरा व्यवहार चेंज कर दिया है। उनका रोल फोकस्ड हुआ है कि रूरल डेवलपमेंट और किसानों की डेवलपमेंट की ओर। ओके, इन इंडिया मल्टी एजेंसी अप्रोच कंप्राइजिंग कोऑपरेटिव बैंक्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स दैट इट्स RRBs हैज बीन फॉलोड टू अलाउ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये सब जो बैंक्स है जो हम देखने वाले हैं, इनको अलाउ किया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए। इन रूरल सेक्टर इफ यू आस्क समवन टू इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, मैक्सिमम ऑफ देम आर वर्डलेस। इन द सेंस दैट्स द रियलिटी, कि अगर हमने सोचा कि बैंकिंग सिस्टम में एक कोर स्ट्रक्चर बताओ, वी कैन से वॉट इज द बैंकिंग सिस्टम का कोर स्ट्रक्चर, स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम में कोर स्ट्रक्चर बताओ, या वी कैन से इट बिकॉज दे ऑल दिस सेक्टर्स हैव सम स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड। लेकिन एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम में अगर आप किसी कोर स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत लोग वर्डलेस हो जाएंगे, क्योंकि आइदर ऑफ देम स्ट्रक्चर है वो इतना पुराना है या फिर इतना मतलब वॉट वी कैन से ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है कि उनको पता ही नहीं है, पहले इंटरेस्ट नहीं है, पता नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है कि अगर कोई प्रोटेस्ट करने के लिए रास्ते पे उतरता है हमें उसके पीछे जाना है राइट। कॉज पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, सिर्फ पीछे जाना है, आंखें बंद करके सिर्फ जोरात एक बस दोन गाड़िया वो सब उनको जला देना है, दैट्स लाइक रियल बिहेवियर। लेकिन वी नीड बेटर नॉलेज। तो अगर किसी को फाइट करना है, फाइट विथ नॉलेज। आई एम नॉट सेइंग डोंट फाइट, आई एम सेइंग फाइट विदाउट वायलेंस एंड विथ नॉलेज। कॉज अगर आप वायलेंस करोगे तो आपके साथ सबको इसका नुकसान ही होने वाला है। लेकिन अगर आप फाइट करते हो विथ योर वर्ड्स, विथ योर नॉलेज, देन आपके हाथ में सिस्टम आती है, लीगल सिस्टम आती है आपके हाथ में, ये सपोर्ट आता है, और फिर यू कैन फाइट। ओके, लेट्स सी, बट वी आर नॉट गोइंग टू फाइट राइट नाउ, वी आर गोइंग टू जस्ट सी द पोर्शन। Types of agricultural credit,
considering the period and purpose of credit requirement of the farmers of a country, agriculture credit in India can be classified into three major types basis the tenure of credit. Credit का कितना time है उसके हिसाब से तीन patch पड़ते हैं. बहुत ही easy वाले types है, ये आपको लिखने होंगे क्योंकि इसके ऊपर आपको question भी आ सकता है definitely. और it's better कि कौन सा भी type का question हो, MCQ हो या फिर आपका note आपके बड़े question हो, आपको ये पता होना ज़रूरी है. Okay, so first it's short-term credit. The Indian farmers require credit to meet their short-term needs, that is purchasing seeds, fertilizers, paying wages. तो आपको पता है दो टाइप के एक्सपेंडिचर रहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर. हमने वो अकाउंट्स में देखा था, याद है आपको? तो जो रेवेन्यू टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं वो एक साल में करने पड़ते हैं, राइट? मतलब आप एक साल में वो करते हो सब कुछ जो करना है. सो दैट्स लाइक दैट कि रेवेन्यू वाले हैं वो शॉर्ट टर्म वाले. द इंडियन फार्मर्स रिक्वायर क्रेडिट टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स लाइक परचेसिंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेइंग वेजेस टू हायर्ड वर्कर्स एटसेट्रा फॉर द पीरियड लेस देन 15 मंथ्स. सच लोन्स आर जनरली रीपेड आफ्टर हार्वेस्ट. तो ये क्रेडिट्स जो उठाए जाते हैं वो हार्वेस्ट के बाद पे किए जाते हैं. हर साल कुछ लोन लेना और उसके बाद हार्वेस्टिंग हुआ, कल्टिवेट हो गया पूरा का पूरा आपका, कि उसको बेचने से पहले वो पे किया जाता है. ओके, मीडियम टर्म क्रेडिट. दिस टाइप ऑफ क्रेडिट इंक्लूड्स क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर फार्मर्स फॉर अ मीडियम पीरियड रेंजिंग बिटवीन 15 मंथ्स टू 5 इयर्स एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर परचेसिंग कैटल. कैटल मतलब गुरो. ओके, कैटल पंपिंग सेट्स, अदर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स एटसेट्रा. मीडियम टर्म क्रेडिट्स आर नॉर्मली लार्जर इन साइज दैन शॉर्ट टर्म क्रेडिट. ऑब्विअसली जास्त पीरियडसाठी आणि मोठ्या वस्तू घेण्यासाठी, गाई बैल म्हशी अशी गुरं घेणं किंवा पंपिंग सेट्स इन द सेन्स इरिगेशनसाठी इक्विपमेंट घेणं, इतर ॲग्रिकल्चरल इम्प्लिमेंट्स करण्यासाठी. सो इट्स बिटवीन 15 मंथ्स टू 5 इयर्स. ओके, आणि जनरली शॉर्ट टर्मपेक्षा मिडियम टर्म मोठी असतात, वो बडे होते. ओके, लाँग टर्म क्रेडिट. फार्मर्स ऑल्सो रिक्वायर फायनान्स फॉर लाँग टर्म period more than 5 years just for purpose of buying additional land or for making any permanent improvements, that is capital expenses, right? Permanent improvements on land like sinking of wells, vihiri banna, fir reclamation of land, horticulture, etc. Thus the long term credit requires sufficient time for repayment of such loan. To matlab long term ke liye aapko zyada time milta hai repayment ka. शॉर्ट टर्म के लिए अप टू 15 मंथ्स मिल जाते हैं, मीडियम टर्म के लिए 15 मंथ्स टू 5 इयर्स के बीच में. समझ में आ रहा है? तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम आप क्या बता सकते हो, कौन से तीन टाइप हमने देखे अभी के लिए, बताओ मुझे. स्टार्ट स्पीकिंग. मैंने पूछा है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, राइट? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग. करेक्ट, वेरी गुड. लॉन्ग टर्म क्रेडिट, और ये क्रेडिट के बारे में बात कर रहे हैं. क्रेडिट का मतलब लोन्स होता है, डोंट फॉरगेट दैट. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप. टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट बेसिस द पर्पस, मतलब किसी कारण की वजह से, किसी कॉज की वजह से अगर मतलब क्रेडिट लिया जाता है. ओके, एग्रीकल्चरल क्रेडिट. तो फर्स्ट इज एग्रीकल्चरल पर्पस. ऑब्वियसली सच अ क्रेडिट इज नीडेड फॉर द परचेस ऑफ सीड्स, मैन्योर, फॉडर. मैन्योर फॉडर मतलब फॉडर मतलब जो फीड किया जाता है केटल को. ओके, मैन्योर का मतलब होता है फर्टिलाइजर्स, जनरली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स. पेमेंट ऑफ रेंट्स, वेजेस, रेवेन्यू, सेस एंड अदर चार्जेस. इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, हायर चार्जेस ऑफ पंप्स एंड परचेस ऑफ वाटर, परचेस ऑफ लाइव स्टॉक एंड इफेक्टिंग अदर लैंड इम्प्रूवमेंट्स, रिपेयरिंग ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, मशीनरीज, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, फार्म हाउसेस, केटल शेड्स, रिपेयर्स ऑफ वेल्स एंड अदर इरिगेशन सर्विसेस, लेइंग ऑफ ऑर्चर्ड्स, फॉर रिक्लेमेशन ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वेल्स, टैंक्स एंड एम्बार्कमेंट्स एंड अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ऑन एग्रीकल्चर. सो अशा हे, सॉरी दैट आई गॉट कट आउट, लेट मी शेयर माई स्क्रीन अगेन विथ यू. Okay, so these are the purposes for which credit has been taken by farmers
ये लिया जाता है. दूसरा है नॉन फार्म बिजनेस पर्पस, मतलब जो एग्रीकल्चर रिलेटेड नहीं है, फार्म रिलेटेड नहीं है, ऐसे पर्पस. ये कौन से होते हैं? सच क्रेडिट इज नीडेड फॉर रिपेयर ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट एंड फर्नीचर, करंट एक्सपेंडिचर ऑन नॉन फार्म बिजनेस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स. ओके, इट्स नॉट रियली एग्रीकल्चर रिलेटेड. ओके, अगर घर का कुछ करना है जो फार्म में है, राइट, लाइक फार्म हाउस, तो परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग्स और नॉन फार्म बिजनेस, purchases of farm equipments and other capital expenditure on non-farm business. तो ये सब है जो non-farm related business है. Okay, let's see the third one, for meeting family expenditure. अब मुझे बताओ, मैं with let's not see that, मुझे बताओ आपकी non-family family expenditure में क्या क्या आ सकता है, काय काय असू शकतं शेतकऱ्याच्या लाईफ मध्ये फॅमिली एक्सपेंडिचर म्हणून. कपड्यांसाठी खर्च किंवा खाण्यासाठी असेल किंवा लग्नाचं वगैरे, मुला मुलींचं, तर सगळं. व्हेरी गुड, करेक्ट. सो एव्हरीथिंग, शिक्षण, खाणं, पिणं, झोपणं, डॉक्टर, मेडिकल सर्व्हिसेस, हेल्थ सर्व्हिसेस आणि हे सगळे, दे आर मीटिंग फॅमिली एक्सपेंडिचर. ओके, सच क्रेडिट इज नीडेड फॉर परचेस ऑफ डोमेस्टिक युटेन्सिल्स अँड क्लोदिंग्स, पेईंग द मेडिकल, एज्युकेशनल अँड अदर फॅमिली एक्सपेन्सेस, purchase and construction and repair of residential house and expenses related to death and marriage and other ceremonies and litigation expenses. Okay, आणि तुम्हाला जर माहिती असेल तर जनरली रुरल एरियात, कारण आपण मोस्टली रुरल एरियात राहतो, ये ऐसा होता है कि कुछ भी सेरेमनी हो उसके कुछ रूल्स रहते हैं. इन द सेंस ये रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए वो कम्युनिटी की बात है, लेकिन इतना बड़ा होना चाहिए, इतना खाना देना चाहिए, इतने लोगों को बुलाना चाहिए, दीज आर लाइक द स्ट्रिक्टर रूल्स इन द कम्युनिटी, इन द एरिया वेयर यू आर लिविंग. ओके, और कैसे होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि अरे क्यों जाए हम समाज के खिलाफ अगर कुछ प्रॉब्लम हो आगे, तो मतलब वो साइकिल कंटिन्यू रहती है कि वो साइकिल, मतलब वो सब करने के लिए जो अननेसेसरी है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है समटाइम्स, तो वो एक्ट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा पैसे लोन पे लेते रहते हैं. एग्रीकल्चर में मतलब किसान लेता रहता है और फिर रीपे करना बहुत मुश्किल हो जाता है. जैसे कि अगर आप देखो तो मतलब मैंने ये बोर्ड देखा था, शायद मैं कहीं बाहर थी, तापोली में नहीं थी, तो मैं कहीं बाहर थी, तो वहां पर ऐसे बोर्ड लगा था कि वो जो दश क्रिया विधि, मतलब जब इंसान मतलब इंसान मर जाता है तो उसके बाद 10 दिन के बाद उसकी शांति की जाती है, जो भी कुछ वर्शिप्स होते हैं. ओके, तो वो करने के लिए वो पूजा थी और उसके लिए लोगों को बुलाया गया था. इट वाज लाइक पूरे गांव को बुलाया गया था. ओके, इट्स अ रियली पर्सनल सेरेमनी फॉर जो भी जिनकी जिनकी भी फैमिली में लॉस हुआ है उनके लिए. तो इसकी कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली अगर आप देखें तो, लेकिन दैट्स लाइक फैमिली प्रेशर और जो सोसाइटल प्रेशर. इवन हम देखते हैं कि मतलब शादी में कोई भी, आई एम नॉट टेकिंग अ साइड ऑफ एनी कम्युनिटी, एनी कास्ट और समथिंग लाइक दैट, शादी में बहुत लोगों को बुलाना, हाँ बुलाइए, आपका अगर मानना है तो बुलाइए, लेकिन कितना फूड वेस्टेज हो जाता है अगर वो लोग खाते नहीं है, सिर्फ ये सब ध्यान दे सकते हैं. लेकिन अगर एक आदमी की या फिर एक औरत की इतनी मतलब हिम्मत नहीं है उनके पास कि वो समाज के अगेंस्ट जाकर, क्योंकि दे आर पुअर, दे जा सके, देन इट बिकम्स वेरी अफेक्टिंग फॉर देम कि उनको कुछ करने की मतलब उनके उनके पास इतना पावर नहीं होता, परचेसिंग पावर तो नहीं होता और डिसीजन मेकिंग पावर भी नहीं रहता, क्योंकि दे आर पुअर एंड मार्जिनलाइज. तो वी आर नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट कि इनके पास कम लैंड है तो इनको हेल्प करो, वी आर टॉकिंग अबाउट सोसाइटल माइंडसेट, कि सोसाइटी का माइंडसेट कैसे रहता है. ओके, लेट्स सी द फोर्थ वन. अदर पर्पजेस लाइक दीज इंक्लूड परचेसेस ऑफ बिल्डिंग एंड ऑर्नामेंट्स, शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, डिपॉजिट्स विद कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्राइवेट मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स, अनस्पेसिफाइड पर्पजेस एंड पेमेंट ऑफ ओल्ड डेट्स. तो मतलब पुराने लोन के लिए नया लोन लेना, ये भी तो सच वाली बात है. और ऐसा बहुत बार होता है कि पुराना लोन है उसको मिटाने के लिए नया लोन लेना, एंड दैट्स लाइक पाइल आफ्टर पाइल. ओके, सो लेट्स सी, मुझे लगता है ये मतलब ये जो दो टाइप हमने देखे, पहले था कि बेसिस द टाइम, शॉर्ट टर्म, मिडल टर्म, लॉन्ग टर्म क्रेडिट, और ये था बेसिस द पर्पस, एग्रीकल्चर पर्पस,
non-farm business purpose, meeting family expenditure purpose and other purposes. तो ये चार टाइप पे आपके एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं. ओके, लेट्स एक्चुअली सी कि हमारे पास कैसी एग्रीकल्चर सिस्टम है. कैन यू जस्ट सी दैट दिस पर्सन इज इट्स रियली हिलेरियस बट इट वेरी ट्रू राइट, कि आपका रुपीज इज रनिंग एवरीथिंग इन द सोसाइटी. लेट मी टेक यू बैक टू द ब्राउजर. ओके, आपको सुनाई दे रहा है बहुत कुछ, मतलब आई थिंक बाहर कुछ आवाज भी आ रहा है लेकिन वीडियो सुनाई दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है होपफुली राइट. लेट्स सी. व्हीट, इंडिया इज द मेजर व्हीट प्रोड्यूसर कंट्री और उसके बारे में 7 इंटरेस्टिंग फैक्ट. During 2016-17, India's exports rupees 438 crores and import rupees 8509 crore of it. तो हमने ज्यादा export किया लेकिन उससे भी ज्यादा import किया. Okay. Top 5 highest wheat consuming states in India are, wheat जो consume करते वो, पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान, चौथा बिहार, पांचवा मध्य प्रदेश, in year of 2011-12. Monthly per capita expenditure on wheat is rupees 50.85. while it is rupees 47.13 for rural and rupees 60.12 for urban areas in the year of 2011-12. तो monthly capita expenditure मतलब हर आदमी का या औरत का wheat पे होने वाला खर्चा कितना है, total अगर country के लिए देखे तो rupees 50.85 per day wheat पे खर्चा होता है. okay, अब देखो आप actually हमारे कुछ कुछ घर ऐसे भी है इंडिया में जिनका एक्चुअल डेली इनकम भी उतना नहीं है. इट्स अप टू 15 रुपीज, 38 रुपीज, 32 रुपीज. ओके, लेकिन ऐसे भी बोला जाता है कि पुअर पर्सन के लिए, जो गरीब है उसके लिए दिन का 32 रुपीज में पूरा का पूरा खाना उसको शायद लेना पड़ता है, खाना पीना जो भी उसका लाइफस्टाइल है वो. ओके, लेकिन रूरल इंडिया के लिए अगर आप देखो तो रूरल इंडिया में वीट की मतलब वीट का एक्सपेंडिचर कम है रुपीज 47.13, अर्बन एरिया के लिए वो रुपीज 60.12 है. मतलब रूरल एरिया में अभी भी अपने खाने पर कम खर्चा किया जाता है अगर वीट इज लाइक फुल मील हम बोले तो. ओके, अर्बन एरिया में वो ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है अगर आप कंसिडर करें. Top 5 states produce wheat producing states in India are UP, MP, मतलब मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा and राजस्थान in year 2015-16. During the year 15-16, India produces wow. One second. 92,287.5 thousand tons wheat with 30,417.8 hectare cropped area and 3034 kg per hectare productivity. तो मतलब इतना huge production हम कर रहे हैं. ओके, एंड फिर भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं. ओके, मतलब वो भी हमें कम पड़ रहा है. इन 15-16 हमने इतने मतलब बहुत ज्यादा हेक्टरेज भी लैंड है तो आप देख सकते हो पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी भी देखी जाती है, मतलब एक हेक्टर में कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है, कितना वीट प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज 3034 केजी, मतलब 3 टन्स. ओके, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट. Top 5 wheat producing countries in the world are
China, India, Russia, US and France in the year 2014. India ranked second position in wheat production with 13.15% share in its global production according to the latest ranking of FAO. Okay, so at least we are producing much higher, but our हमारी आबादी अपनी लोक संख्या इतनी जास्त है इतनी ज्यादा है वो कि हमें फिर भी इम्पोर्ट करना पड़ता है. सो सिर्फ एक वीट का क्रॉप लेकर हम देख सकते हैं कि हमें बहुत इम्पोर्ट करना पड़ रहा है फिर भी बहुत प्रोडक्शन भी हो रहा है. इसका मतलब जो भी हम उगा रहे हैं हमारे खेतों में हमें ज्यादा एफिशिएंसी की जरूरत है, उसको ज्यादा ज्यादा एफिशिएंसी से प्रोडक्शन बढ़ाने के. ओके, और इसकी वजह से हमें ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर लगने वाला है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली क्रेडिट सिस्टम का फायदा उठाना पड़ेगा, क्रेडिट सिस्टम के बारे में देखना पड़ेगा. सो वी हैव टोटली टू एग्रीकल्चरल credit sources in India. So first is non-institutional sources. Okay, let's see what are the non-institutional sources. Non-institutional sources, they are money lenders, जैसे हमने देखा from the very beginning money lenders है. और ये इस पर आपको मतलब इस पर आपको question पूछा जा सकता है what are the sources of agricultural credit, और वो इसमें आपको दोनों टाइप लिखने पड़ेंगे, दोनों टाइप में सब टाइप से जो अभी हम देख रहे हैं वो भी लिखने पड़ेंगे. अगर बड़ा वाला क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज़ है देन यू विल हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी वर्ड, क्योंकि इस यहाँ के किसी भी लाइन से और एनीथिंग विच कम्स अंडर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स एमसीक्यूज़ आ सकता है. ओके, सो लेट्स सी. लेकिन ऑब्वियसली हमने जो पढ़ाया है उसको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा आपको. मनी लेंडर्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मनी लेंडर्स हैव बीन एडवांसिंग द मेजर शेयर ऑफ फार्म क्रेडिट. साहूकारी सिस्टम, राइट. मनी लेंडर्स आर टू डिफरेंट टाइप्स, फर्स्ट प्रोफेशनल मनी लेंडर्स, सेकेंड एग्रीकल्चरिस्ट मनी लेंडर्स जो सिर्फ किसानों को जनरली देते हैं. These moneylenders were supplying a major portion of agricultural credit, 69% in 1951 to 52. That is a huge percentage, okay? And indulged into malpractices like manipulation of accounts and charged exorbitant rate of interest on their loan after 24% and over. मतलब इन्होंने अपना मतलब जैसे ही आपको मोनोपोली आती है क्योंकि ये ज्यादा इंटरेस्ट सॉरी ज्यादा रेट ज्यादा लोन प्रोवाइड करते थे किसानों को, जैसे हमने देखा 69.7%. तो फिर वो क्या होता है वो मैल प्रैक्टिस शुरू हो जाती है क्योंकि उनकी मोनोपोली थी. तो वो मैल प्रैक्टिस लाइक मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, इस कम अकाउंट्स मेंटेन करते हुए कुछ मतलब क्या हम सब घोटाला करना, घपला कर देना कुछ, या फिर ऐसा कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं रखना बेसिकली, एंड ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करना. वो हमने देखा था, मैंने आपको बोला था मंथली रेट भी डाल देते. ड्यू टू ऑल दिस फैक्टर्स द शेयर ऑफ मनी लेंडर्स इन टोटल फ्रॉम क्रेडिट हैज डिक्लाइंड शार्पली फ्रॉम 69.7% in 1951 to 52 to 36.1% in 1971 and then to only 16.1% in 1981 and then to 7% in 1995-1996. इसका मतलब है क्योंकि ये malpractice हो रहे थे, किसानों में भी awareness आ रहा था कि ये हमें exploit कर रहे हैं, हमें deceive कर रहे हैं, फसवता थे आप लेला. So उन्होंने क्या कर दिया, उनके पास से loan लेना कम कर दिया. और जैसे ही हमारा institutional structure भी बढ़ रहा था उसके साथ agricultural credit system का, okay? तो जो 69.7% था 51 में, तो वो 95 तक आते आते 7% तक कम हो गया, मतलब बहुत ही कम हो गया. ओके, लेट्स सी ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, मतलब जो ट्रेडर्स रहते हमने देखा था वो, और कमीशन एजेंट्स जिनसे किसान शायद लोन लेते हैं. ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स आर ऑल्सो एडवांसिंग लोन्स टू द एग्रीकल्चरिस्ट फॉर प्रोडक्टिव पर्पजेस बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप ने मतलब अपने चल पेरणी के लिए ऑलरेडी
पण अजून पुढचे सगळे प्रोसेस व्हायचे. तो इन द मिडल अगर कुछ पैसों का प्रॉब्लेम हो जाए तो उस टाइम ट्रेडर्स कमिश्नर्स आपको लोन्स देते थे या फिर वो देते होंगे. ओके एंड बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ क्रॉप्स एंड देन फोर्स द फार्मर्स टू सेल देयर क्रॉप्स एट वेरी लो प्राइजेस एंड चार्ज वेरी हैवी कमीशन. तो वो क्या कर देते हैं फिर, मतलब रिटर्न नहीं कर पाते अगर फार्मर्स, या फिर रिटर्न करने का जब टाइम आता है तो वो बोलते हैं कि अब हमने आपको लोन दिया, इसका मतलब आपको हमें कम प्राइस में ही देना पड़ेगा क्रॉप्स, और उसके ऊपर कमीशन भी ज़्यादा लेते हैं. दिस टाइप ऑफ लोन्स आर मोस्टली एडवांस्ड फॉर द कैश क्रॉप्स. कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन, शुगर केन, ये जैसे कैश क्रॉप्स है उनके लिए ज़्यादा ऐसे लोन्स का, क्योंकि बीच में बहुत खर्चे हो जाते हैं शायद. ओके लेट्स सी. The share of these traders in farm credit increased gradually from 5.5% 1951 to 8.8% in 61 and then sharply declined to 5% in 1996. Thus, its importance has been declining in recent years. So, इसका मतलब है कि पहले थोड़ा बढ़ रहा था, हमने देखा जैसे ही मनी लेंडर्स का इम्पोर्टेंस कम हो रहा था तो पहले टाइम ट्रेडर्स एंड कमिश्नर, मतलब कमीशन एजेंट्स का थोड़ा इम्पॉर्टेंस बढ़ा भी इन 10 साल में. लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही हमारा एक इंडिपेंडेंस के बाद एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ क्रेडिट सिस्टम का, एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम का, तो इनका भी इम्पोर्टेंस कम होते होते 1996 में वो 5.0% तक रह गया. मतलब इनका भी इम्पोर्टेंस कम हो रहा है. तो अभी के लिए हमने दो टाइप देखे, दैट इज पहले मनी लेंडर्स और दूसरा ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स जो नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स हैं. ओके इसके बाद आता है रिलेटिव्स. ऑब्वियसली पहले हम अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो रिलेटिव्स के पास जाते हैं, ऐसा बोला जाता है, राइट. कल्टीवेटर्स ऑल्सो आर ऑल्सो नॉर्मली बोरोइंग फंड्स फ्रॉम देयर ओन रिलेटिव्स इन टाइम ऑफ देयर क्राइसिस बोथ इन टर्म्स ऑफ कैश एंड काइंड. काइंड मतलब चीजें. ओके जस्ट अ मिनट, सॉरी. Cash and kind. These loans are kind of informal loans and carry no interest and normally refunded after harvest. तो ये short time जैसे loan होते हैं और इनके ऊपर generally interest नहीं pay किया जाता, family के बीच में ही रहता है और harvest के बाद, मतलब एक crop का समय खत्म होने के बाद वो pay किया जाता है. Okay, the importance of these source of farm credit, it's also declining as the share of agricultural credit has already declined from 14.2%. Okay, in 1951 to 52 to 8.7%, मतलब 14 से 8 तक आ गया 81 तक, और उसके बाद 3% तक आ गया 95-96 तक. ये सब हमें दिखाता है कि लोगों को एक मतलब सिस्टम के बारे में पता चलने लगा, उनका सिस्टम पर ट्रस्ट होने लगा, और फिर जो भी इनफॉर्मल रिसोर्सेस थे, अनऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेस थे, तो उनसे लोन लेना कम हो रहा है. ओके तो पहले था मनी लेंडर, दूसरा था ट्रेडर्स एंड कमीशन कमीशनर्स, जैसे कमीशन लेते हैं वो कमीशन पर्संस, और उसका तीसरा था रिलेटिव्स. अब नेक्स्ट वन इज लैंडलॉर्ड्स, मतलब जो लैंड के एक्चुअली ओनर रहते हैं. जनरली किसान हर बार ऐसे ही नहीं होता, उसका खुद का लैंड होता है, वो किसी और के लैंड में भी काम करता रहता है, तो लैंडलॉर्ड्स. ओके इन इंडिया स्मॉल एज वेल एज मार्जिनल फार्मर्स एंड tenants मतलब जो रेंट पे लेते लैंड, आर ऑल्सो टेकिंग लोन फ्रॉम देयर लैंडलॉर्ड्स फॉर मीटिंग देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स. दिस सोर्स हैज बीन फॉलोड ऑल द इल प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एटसेट्रा. तो लैंडलॉर्ड्स, इसका इजी मीनिंग है जमींदारी. तो जो जमींदार है उनसे लैंड लेना, लैंड रेंट पे लेते हैं और उस पर काम करते हैं, फिर कुछ जैसे तय हुआ है इतना प्रोड्यूस लैंडलॉर्ड को देना है, जमींदार को देना है, उतना अपने लिए रखना है, इतना बिकना है, मतलब बेच देना है. तो दैट्स काइंड ऑफ सिस्टम दैट वाज रनिंग. और जो भी हमने इल प्रैक्टिसेस, बैड हैबिट्स देखे जो मनी लेंडर्स में, ट्रेडर्स में, ये सबके सब यहाँ भी मौजूद है. ओके समटाइम्स लैंडलेस वर्कर्स आर इवन फोर्स टू वर्क एज अ बाउंडेड लेबर. और ये बहुत ही घटिया तरीके की मतलब लेबरशिप है या फिर लेबरिंग एक्टिविटी है, कि अगर जिनके पास लैंड नहीं है लेकिन बहुत पुराने टाइम से ये कर रहे हैं काम, तो अगर एक इंसान बूढ़ा हो जाता है तो अपने आप ही उसका जो बच्चा होता है, उसके जो बेटे होते हैं, बेटियां होती है, तो वो उसकी उस खेत पे काम करना शुरू कर देते हैं जहाँ पर उसके पिता ने काम किया होगा.
और ये क्या होता है, वो वहां से बाहर नहीं निकल सकते, बाउंडेड है वो वहां पर, वहीं पर ही काम करना पड़ेगा उनको. सो दैट इज लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ स्लेवरी, गुलामी आहे वेगळ्या प्रकारची. आणि अशा प्रकारचे खूप आपल्या इंडियाच्या बीमारू स्टेट्स म्हणून म्हटल्या जाणाऱ्या स्टेट्समध्ये, इव्हन इतर पण स्टेट्समध्ये खूप प्रमाणावर पाहायला मिळतं अजूनही. द शेअर ऑफ दिस सोर्स टू रुरल क्रेडिट हॅज इन्क्रीज फ्रॉम 3.3% टू 14.5% इन 61-62. म्हणजे पहिल्यांदा जेव्हा तुमची मनी लेंडर्स सावकारी पद्धत कमी व्हायला लागली, तसं यातला शेअर खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढला, 3% वरून 14% वर. ओके, उसके बाद शार्पली डिक्लाइन टू 8.8% इन 81 अँड 10% इन 95-96. मतलब ये अभी भी थोड़ी बहुत देर से चल रहा है. ओके, और 8.8% टू 10% में दिख रहा है हमें 1995-96 तक. ओके, सो दस द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ फार्म क्रेडिट हैव बीन फेसिंग सीरियस लूप होल्स लाइक एक्सॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन फ्रॉम अनप्रोडक्टिव पर्पजेस, नॉन रीपेमेंट लोन. तो अनप्रोडक्टिव पर्पज मतलब शादी के लिए लोन लेना, तो शादी के बाद एक्चुअली कुछ प्रोडक्शन के लिए उसको कुछ फायदा नहीं होता लोन लेके, वो पैसे जाते ही है पूरे के पूरे. तो मतलब ऐसे अनप्रोडक्टिव पर्पजेस है, या फिर गाड़ी लेना, मर्सिडीज लेना एक किसान ने, तो वो अनप्रोडक्टिव सोर्स है, क्योंकि उसके बाद वो मर्सिडीज को लेकर वो कोई नया प्रोड्यूस, नया इम्प्लीमेंट, नई टेक्नोलॉजी नहीं लाएगा अपने खेत में, उसका प्रोडक्शन एफिशिएंसी नहीं बढ़ने वाला. सो दे आर नॉन प्रोडक्टिव पर्पजेस, और उसके लिए बड़े बड़े लोन्स लेना, दैट हैपन्स ड्यूरिंग दिस नॉन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क. क्योंकि जनरली इसके लिए ज़्यादा रेट भी देना पड़ता है, ज़्यादा टाइम नहीं होता रीपेमेंट करने का, और बहुत ही लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रहता है. इसका मतलब किसान को एक्सप्लॉइट होने का बहुत ज़्यादा धोखा रहता है. ओके, सो दीज आर अबाउट नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस. अब हम देखने वाले इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस. ओके, तो हम ऑब्वियसली मतलब वो देखेंगे वो देखेंगे जस्ट दैट हमारा टाइम यहाँ पर मतलब एक मिनट का ही बच गया है. तो ये जब मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, आपको फिर से वही लिंक पर फिर से लॉग इन करना है, क्योंकि मैंने आपका लेक्चर थोड़ा जल्दी शुरू किया था, तो मैं आज आपका एक्सटेंडेड लेक्चर लेके ये जहाँ पर हम खत्म कर सकते हैं वहाँ पर खत्म करने वाली हूँ. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट में जो बोल रही हूँ? आपको फिर से लॉग इन करना है सेम लिंक पे. सो लेट्स सी व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस. ओके, हमने पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस देखे, मनी लेंडर्स, कमीशन और कमीशनर, कमीशन पर्सन एंड ट्रेडर्स. फिर उसके बाद हमने देखा, बताओ मुझे क्या आपको याद है, तीसरा वाला हमने कौन सा देखा था? रिलेटिव. करेक्ट, रिलेटिव्स. और चौथा वाला अभी के लैंडलॉर्ड. करेक्ट, लैंडलॉर्ड, जमींदार. तो ये चार है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, उसके साथ साथ आते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस. The main motive of institutional credits is to assist farmers in raising agricultural productivity and maximizing their income. मतलब major purpose क्या होता है इसमें institutional credit system में देने का? Agricultural productivity बढ़ाना और farmers का income बढ़ाना. इसको ना agricultural आय बोलते हैं, agriculture आय, या फिर किसान का